तो आज हमारा टॉपिक रहेगा मोर अबाउट एसिड्स। हमने एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, जितनी भी रिएक्शंस थी लगभग लगभग। तो इसके सबसे पहला आता है सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स। जो नेचर के अंदर आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं उनमें कौन कौन से एसिड्स होते हैं। जैसे ऑरेंज और लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड मिलता है, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड मिलता है, टमाटोज में टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, टमराइंड इसको कहते हैं इमली, इमली के अंदर टार्टरिक एसिड होता है, श्योर मिल्क या फिर कर्ड दही के अंदर हमारे पास लैक्टिक एसिड होता है, विनेगर सिरका इसके अंदर हमारे पास एसिटिक एसिड होता है, और प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स थे जो कि इन इन चीज़ों में और ये एसिड्स आपको मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक एसिड्स को हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। देखो भाई, तो यहाँ से क्या रहेगा हमारे पास, ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मिलते हैं, जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्या कहेंगे हम, ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर ओबटेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या आप लिख दो लिविंग थिंग्स, जीवित चीज़ों से, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये ऊपर जितने भी एग्जाम्पल लिख रखे हैं ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स जनरली एडिबल होते हैं। एडिबल का मतलब खाने के लायक। ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं हमारे फूड स्टफ के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, हम नॉर्मल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इनका यूज करते हैं, जो कि हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। जैसे मिल्क हो गया आपके पास, श्योर मिल्क या कर्ड, ये लॉजिकली देखा जाए तो हमें एनिमल से मिलता है। ठीक है, टमाटो, एप्पल, ऑरेंज ये सब कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, और इनके अंदर ये एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर ओबटेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स और प्लांट्स और एनिमल्स, और ये एडिबल होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स का नाम मिनरल एसिड इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये मिनरल्स से ओबटेन किए जाते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आर ओबटेन्ड फ्रॉम, इनऑर्गेनिक एसिड्स आर ओबटेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। ये खाने के लायक नहीं होते हैं, इसका मतलब ये क्या होते हैं, ये जो है डेंजरस फॉर हेल्थ होते हैं। मैं एग्जांपल लिखूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सच में खतरनाक होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, HNO3, HCl, H2SO4, HNO3। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और ये खतरनाक होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, अगर खा ले तो बहुत ही ज़्यादा, और अगर कहीं पे गिर जाते हैं, अगर हाथ पे गिर गया तो हाथ को जला सकते हैं, कपड़े के ऊपर गिर गए तो कपड़े को जला सकते हैं। इस वजह से जो इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स होते हैं ये एसिड्स हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और ये हमें मिनरल से मिलते हैं, ये जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ओके, इसमें एक एक्सेप्शन है, नॉर्मल लाइफ के अंदर जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कार्बोनिक एसिड होता है। एक कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड है, लेकिन ये एक वीक एसिड है और हमारे फूड स्टफ में मिलता है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2CO3 होता है, और ये कैसे बनता है, ये बनता है H2O प्लस CO2।
CO2 के कॉम्बिनेशन से, H2CO3, ठीक है, H2C, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन हो गए, H2CO3। कार्बोनिक एसिड जो है वो हमारे फूड स्टफ में मिलता है, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या सोडा वाटर होता है उसके अंदर कार्बोनिक एसिड मिलता है हमें। समझ में आती है बात? ठीक है, तो इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स के अंदर कार्बोनिक एसिड फूड स्टफ में यूज़ किया जाता है, अदरवाइज बाकी जो हैं वो डेंजरस होते हैं, हम उनका हेल्थ के लिए वो अच्छे नहीं होते, उनका यूज नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो हैं वो हमें लिविंग थिंग्स से या लिविंग ऑर्गेनिजम से मिलते हैं, वो एडिबल होते हैं मोस्टली, ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद एक चीज़ और आती है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि श्योर सब्सटेंसेस को, जो खट्टे पदार्थ हैं उनको हम मेटल कंटेनर में क्यों नहीं रखते हैं? क्या क्वेश्चन है? व्हाई शुड श्योर सब्सटेंसेस नॉट बी कैप्ट इन मेटल कंटेनर्स या मेटल वेसल्स? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो खट्टे पदार्थ हैं उनको हम, कोई भी मेटल है, धातु के बर्तनों में नहीं रखते हैं। जैसे जो रसोईया होती है हमारी, उसके अंदर कॉपर के वेसल, सिल्वर के वेसल, आयरन की कढ़ाई हो गई, जैसे आयरन के वेसल एटसेट्रा, ये सब चीज़ें मिलती हैं, ये सब चीज़ें हमारे पास मिलती हैं, और इनके अंदर हम श्योर सब्सटेंसेस जैसे टमाटो ओपनली नहीं, कट किया हुआ, ठीक है, दही हो गया, विनेगर हो गया, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको हम मेटल कंटेनर में नहीं रखते हैं। रीजन क्या है? श्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं, श्योर सब्सटेंसेस के अंदर क्या मिलता है हमें? एसिड मिलता है। और हमने क्या पढ़ा है कि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके और साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये जनरल रिएक्शन हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने? जैसे एग्जांपल ले लो, मेटल आपने जेड जिंक ले लिया, H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, ये वैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है जनरल सा कि जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हैं तो ZnSO4 और हाइड्रोजन बनता है, ये रिएक्शन हमने पढ़ी है। इसका मतलब क्या है कि कभी भी कोई भी जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बना सकता है, ये रिएक्शन हमने पढ़ी है। अब यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो एडिबल एसिड्स होते हैं, जो एडिबल एसिड्स होते हैं अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो कोई भी चीज़ बनाती है वो में भी पॉइजनस हो सकती है। समझ में आती बात? वो पॉइजनस हो सकती है, इस वजह से हम किसी भी श्योर सब्सटेंस को मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि क्या कहेंगे हम, द श्योर सब्सटेंस कंटेन एसिड एंड दैट एसिड कैन रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस सम पॉइजनस सब्सटेंस और सम डेंजरस थिंग फॉर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए वो ख़राब चीज़ बना सकते हैं आपस में रिएक्शन करके, इस वजह से हम श्योर सब्सटेंसेज को मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं रखते हैं। ठीक है भाई?